बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए टेक्नो 5 प्रो लेके आया हूँ, जो कि भाई बहुत ही अच्छा मोबाइल है यूज़ करने के लिहाज से। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कोड कैमरे दिए के 16 मेगापिक्सल कोड कैमरों के साथ, उसके अलावा फ्लैश है और पीछे वाली साइड पे फिंगरप्रिंट भी है, ठीक है। तो उसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो ये फ्रंट कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है इसकी रैम की बात की जाए, तो रैम जो है वो 4 है, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो इसकी रोम की बात की जाए, तो वो 64 है, 4/64 प्रो, ठीक है ना। ये अगर आप कहें कि मैं पबजी जो है काफ़ी अच्छी इस पे चल जाएगी, लेकिन चल जाएगी, गुजारे लायक है, ठीक है ना। तो क्या है कि भाई जो आजकल क्या करते हैं कि भाई जब तक HD ना हो, अल्ट्रा ना हो, तो तब तक जो है मेरा मतलब है कि मज़ा नहीं आता गेम का, ठीक है ना। अल्ट्रा वगैरह हो तो भाई मज़ा आता है गेम का, ठीक है। तो सबसे पहले गेम ऑन कर लेते हैं, तो इसकी देख लें, स्पीड भी चेक कर लें। तो उसके बाद इसकी 5000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। तो उसके अलावा जितने भी मोबाइल आ रहे हैं, उनकी बैटरी टाइमिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो 5-6 हज़ार तक जो है आपको मिल जाती है इनके अंदर बैटरी भी, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस की बात करते हैं, तो जो इंटरनेट प्राइस बता रहा है वो तकरीबन आपको बता रहा है 19,000 की, ठीक है। तो आपको जो है मार्केट में 17-18 तक जो है आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी आपने स्पीड देख लें, काफ़ी है। तो इसके अंदर कोई ऐसे अल्ट्रा वगैरह HD वगैरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मोबाइल टेक्नो का है, तो काफ़ी अच्छा मोबाइल। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसके अंदर PUBG खेलूँ, तो वो इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लें, तो इतना जो है मेरे लिहाज से तो बिल्कुल इतना खास नहीं है मोबाइल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और अगर पसंद आए तो लाइक करें और मुझे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।